उत्तराखंड का जोशीमठ क्षेत्र न सिर्फ अपनी सुंदर वादियों और सामाजिक परिवेश के लिए जाना जाता है, बल्कि यह स्थान धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से पहले जोशीमठ के दर्शन सभी भक्त करते हैं, और यही कारण है कि यहाँ के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं का हमेशा ही तांता लगा रहता है। और उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है ज्योतिश्वर महादेव मंदिर। चमोली जिले के जोशीमठ नगर में पौराणिक ज्योतिश्वर महादेव मंदिर स्थित है। मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना 8वीं सदी की है, जो भारत के 4 मठों में से पहले मठ ज्योतिर्मठ में मौजूद है। ज्योतिश्वर मंदिर परिसर में करीब 2500 वर्ष पुराना कल्पवृक्ष मौजूद है। इसी कल्पवृक्ष के नीचे आदिगुरु शंकराचार्य को दिव्य ज्योति ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए भी मंदिर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने 815 ईस्वी के लगभग कल्पवृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर ज्ञान की प्राप्ति की थी। जोशीमठ के स्थानीय निवासी सूरज कपरवाण बताते हैं कि ज्योतिश्वर महादेव मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग स्थित है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु महाशिवरात्रि और सावन के महीने अपनी मनोकामना लेकर दूर दूर से पहुंचते हैं। वहीं बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु भी मंदिर के दर्शन से नहीं चूकते। तो हमारे पीछे जो शिवालय है, इस पर ही एक तरह से इसके नीचे बैठ के जो शंकराचार्य जी तपस्या करते थे, ज्योति मिली थी, तो ज्योतिर्मठ शिवालय इसे बोला जाता है। सामने शिवालय के अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो पूर्णागिरी देवी का मंदिर है। ये यहाँ पर की अधिष्ठात्री देवी है, शंकराचार्य जी ने इन देवी की भी स्थापना की थी। और कल्पवृक्ष का महत्व ये है कि एक तो ये जो हमारी जो सनातन परंपरा है उसके हिसाब से इस वृक्ष को लगभग 2500 साल पुराना कहते हैं, और 2500 साल पुराना इसलिए कहते हैं कि 2500 साल पहले जो हमारा पहला मठ है ज्योतिर्मठ जो यहाँ पर है उसकी लगभग स्थापना हुई थी ऋषि संवत के हिसाब से। और इस वृक्ष के नीचे ही जब शंकराचार्य जी पहली बार केरल से आए थे तो उन्होंने यहाँ पर इस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, जो ज्योति मिली थी, ज्ञान की ज्योति, जिस नाम से ही आज के टाइम पे जोशीमठ को जो फिर से इसका नाम ज्योतिर्मठ रखा गया है। पुराना नाम भी इसका ज्योतिर्मठ ही था, जो बीच में बदल के जोशीमठ हो गया था। तो ज्योति की प्राप्ति होने के कारण ही इस पूरे स्थान को ज्योतिर्मठ कहा जाता है। और वही महात्म्य इस पेड़ का है कि ये कल्पवृक्ष है, जिसके नीचे कहें कि जो भी आप मानो को सच्चे मन से मांगो और इसकी पूजा करते मांगो तो वो ज्योति और वो चीज़ें आपकी मांग पूरी हो जाती है। तो ये इस वृक्ष का एक तरह से आप समझिए कि सार है कि पूरा वृक्ष के नीचे जो भी आप मांगोगे वो आपको मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और मेन मांगने से मतलब है कि जो आपको ज्ञान की जो प्राप्ति होती है इस वृक्ष के नीचे ही। चमोली से न्यूज़ 18 लोकल के लिए सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।